हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो उसके लिए हम साबूदाने को भिंगो करके रात भर रख देंगे। भिंगोने से पहले हम साबूदाना को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसमें पानी डाल करके ढक कर रख देंगे। रात भर हमने ढक के रख दिया था, तो ये देखिए साबूदाना जो है अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए। पैन गर्म होने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे। तो अगर आप किसी व्रत के लिए बनाएंगे तो इसमें घी और सेना नमक डाल करके बनाइएगा। तो हम यहाँ पर नाश्ते के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम तेल डालने के बाद एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। दो से तीन हरी मिर्च काट करके डाल देंगे। कढ़ी पत्ता डाल देंगे। डाल करके अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे ये आलू को हम डालेंगे। छोटे टुकड़े में काट लिया है। डाल करके हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। गैस को लो या मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू को हम अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को भी आलू के साथ फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम एक मिनट के लिए मूंगफली और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली और आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम साबूदाने को डाल देंगे। साबूदाने को डालने के बाद हम मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएंगे। आलू और मूंगफली के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आप भी इस तरह से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना चाहते हैं, साबूदाने का झटपट नाश्ता ये बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी साबूदाने का जो खिचड़ी है वो बहुत ही खिला खिला और बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक मिनट के लिए पका लिया है लो फ्लेम पर। तो अच्छे से हमारा साबूदाना जो है अच्छे से पक गया है। अच्छे से पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है साबूदाने का खिचड़ी। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा साबूदाने का खिला खिला खिचड़ी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और आप भी इस तरह से हेल्दी खिचड़ी बना करके खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर सुबह सुबह आपको झटपट नाश्ता बनाना हो तो आप इस तरह से साबूदाने को भिंगो करके रखेंगे तो सुबह में झटपट नाश्ता जो है बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से।